नमस्कार भाइयों, हम आपको दिखाने जा रहे हैं फार्म ट्रैक 60 का पावर मैक्स ट्रैक्टर, और EPI ट्रैक्टर है ये पावर मैक्स का, और ये ट्रैक्टर 55 HP का ट्रैक्टर है, और इसके गियर हैं 2 8+2 गियर आते हैं ट्रैक्टर में, और इसका जो ऑप्शन है उसमें भी आपको 320 गियर मिल जाएगा इसके ऑप्शन में है, और वो ट्रैक्टर आपका डबल क्विज में आता है वाला ट्रैक्टर, और ये डबल क्विज में आता ट्रैक्टर ये, इसके बाद चलो जानते हैं। और इस सेक्टर में जो बम्पर है वो 80 kg का ट्रैक्टर बम्पर दिया गया, कंपनी फिट मिलता है सेक्टर में फार्म ट्रैक में, और ये काफ़ी हैवी होता है, अन्य कंपनी में ट्रैक्टर से ट्रैक्टर के साथ बम्पर नहीं मिलता है, पर फार्म ट्रैक अपने ट्रैक्टर के साथ बम्पर देता है, और फार्म ट्रैक की क्वालिटी है वो अलग ही क्वालिटी होती है फार्म ट्रैक की। इसमें यहाँ पे क्रोम में लिखा है 60, और यहाँ पे ब्रांडिंग दी गई है स्टाइलिश में, इसके ये भी फार्म ट्रैक लिखा है, क्रोम में लिखा है, बहुत ही शानदार लगता है ये, और ये EPI ट्रैक्टर है ये। इसकी जो लाइटें हैं वो काफ़ी बड़ी लाइटें दी गई हैं, आप लोग देख सकते हैं, इसमें LED दी गई है, और बीच में इसमें हैलोजन बल्ब है जो रात के समय में बहुत ही अच्छा उजाला प्रदान करती है लाइटिंग ये, और इसकी जो टायर है वो 750 फुला के दिए गए हैं, गुड़िया कंपनी ट्रैक्टर टायर पड़े हुए हैं फिलहाल, और ये ट्रैक्टर ये वाले टायर बहुत ही बढ़िया होते हैं ट्रैक्टर के लिए, और इसके जो आगे का एक्सल है जो काफ़ी ज़्यादा हैवी दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं, और इसमें देख सकते हैं इसमें दांत दिए गए हैं, इससे एक्सल कभी भी आपको स्लिप नहीं होगा बिल्कुल भी, इससे ग्रिप बहुत बढ़िया हो जाती है, इससे इसकी जो आराम है वो काफ़ी ज़्यादा मोटे दिए गए हैं, देख सकते हैं कि कहीं से बैंड नहीं हो सकते बिल्कुल भी, और इसमें पावर स्टेयरिंग को बैलेंस पावर स्टेयरिंग दिया गया है, इसमें दोनों तरफ राउट होती है तो कटिंग करने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है इससे, और इसके पावर स्टेयरिंग के लिए और हाइड्रोलिक जो कंपनी यूज़ किया गया कंपनी ने वो अलग अलग कंपनी यूज़ किया है इसमें, जिससे हाइड्रोलिक का पंप में कोई प्रॉब्लम आए तो सिर्फ एक ही पंप खुलेगा या पावर स्टेयरिंग पंप नॉर्मल आए तो एक ही खुलेगा, ये सिस्टम बहुत ही बढ़िया है। इसमें अल्टरनेटर दिया गया है बैटरी को फटाफट चार्ज करने के लिए, और सेक्टर का सिलेंसर है वो साइड से दिया गया है, क्योंकि सेक्टर में सिंगल पीस बोनट आता है, सिंगल पीस बोनट उसमें जैक लगा हुआ होता है और बैंड ऑटोमेटिक उठ जाता है ऊपर से, इसका सिलेंसर वो भी काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश होता है, आपने लिखा है स्कॉट कंपनी का ओरिजिनल सिलेंसर है, ये बहुत ही बढ़िया सिलेंसर होता है ये, और फार्म ट्रैक की सर्विस है वो 500 घंटे के बाद सर्विस होती है फार्म ट्रैक की, ये भी सिस्टम बहुत ही बढ़िया दिया गया है फार्म ट्रैक में, क्योंकि सर्विस में काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च होता है तो कंपनी ने इसको चेंज किया है, और इस चैप्टर में जो सिंगल पीस होता है वो कंपनी के सिस्टम में बहुत बढ़िया दिया गया है, आप इसको ट्रैक्टर को सिंगल पीस भी कर सकते हैं, आप इसको बोल्ट देख रहे हैं ये, इस बोल्ट को आप बहुत टाइट करेंगे तो ट्रैक्टर आपका सिंगल पीस हो जाएगा, अगर आपके अपने काम के अनुसार शक्तों को आप चला सकते हैं, इससे आपका क्लिच आपका ख़राब नहीं होगा बिल्कुल भी, इसके लिए पैदावाना को भी ऊँचे पैदा दिए गए हैं काफ़ी बढ़िया है, आपके गियर हैं आप लोग देखते हैं ये हाई लो गियर है इसका, और इधर इसका मेन लीवर है आप देख सकते हैं, और इस की PT पावर है वो भी आप देख सकते हैं, इसकी इस सेक्टर में 36.5 kW की ट्रैक्टर की PT पावर है, बिल्कुल न्यू ट्रैक्टर है ये, और यहाँ पे कंपनी का नंबर दिया गया है आप, और यहाँ पे इसको अगर आपको और जानकारी लेना हो कंपनी का आप इसके नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और इसकी सीट है वो भी काफ़ी अच्छी सीट दी गई, डिलक्स सीट ट्रैक्टर की, आप आगे पीछे कर सकते हैं ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, बहुत ही कंफर्टेबल सीट होती है फार्म ट्रैक की, बहुत ही बड़ी सीट होती है जिससे ड्राइवर आसानी से बैठ सकता है, और यहाँ पर ट्रांसफर लॉक भी दिया गया है हाइड्रोलिक को लॉक करने के लिए, और इधर इसका एक PT लीवर है जिसमें 540 kg और 540 मल्टी स्पीड की मिल जाती है इस सेक्टर में, और इस सेक्टर का आपको डैशबोर्ड दिखाता हूँ मैं, इसकी जो स्टेयरिंग व्हील है वो भी बहुत ही बढ़िया दिया गया है, छोटा स्टेयरिंग व्हील है, और आपको इसका डैशबोर्ड है बहुत ही बढ़िया दिया गया है, इस ट्रैक्टर में 2500 RPM का ट्रैक्टर मीटर मिल जाता है, और इसमें ऑयल प्रेशर और डीजल की सब कुछ इसमें इंडिकेटर दिए गए हैं, और इसमें मीटर भी दिया गया, तेल और टेम्परेचर के लिए मीटर दिया गया है, और इसमें स्पीड चाबी दिया गया था आप लोग देख सकते हैं, इस ट्रैक्टर की जो स्पीड है वो 38 km/h ट्रैक्टर की स्पीड है, जो अन्य किसी ट्रैक्टर में नहीं है, ट्रैक्टर बहुत ज़्यादा भागता है रोड पर, इसकी रोड स्पीड काफ़ी ज़्यादा है, 2250 RPM पर ट्रैक्टर की स्पीड है आप लोग देख सकते हैं,
और इसके ट्रक डीजल टैंक है, तो पूरा 60 लीटर का ट्रक डीजल टैंक है इसका। और इसके जो मडगार्ड हैं वो क्लासिक वाले मडगार्ड दिए गए हैं, जो ट्रैक्टर का लुक बहुत ही साधारण करते हैं। ये अलग ही लुक देते हैं। फार्म ट्रक हमेशा से सबसे अलग काम करता है, इससे कहते हैं फार्म ट्रक के ट्रैक्टर पूरी दुनिया में फेमस है। और ये फार्म ट्रक इंडिकेटर देखते हैं, काफ़ी ज़्यादा मशहूर है इंडिकेटर। फार्म ट्रक के आई होते हैं इंडिकेटर जी, जो बहुत ही कम लाइट लेते हैं, यानी कि बहुत ही कम करंट लेते हैं ये। और इसके जो मडगार्ड है जिसके आप इसकी डिज़ाइन देखते हैं, काफ़ी बड़ी डिज़ाइन दी गई है, जो मडगार्ड बहुत ही ज़्यादा शानदार लगता है। और इसकी जो रिम है, रिम इस पर टिप्पणी दिया गया है, ये इसके लिए टिप्पणी दिया गया है, इससे फायदा ये होता है आपका रिम कभी भी डैमेज नहीं होगा बिल्कुल खोले वाले करने में। और रिम इसकी बिल्कुल लाइट बनी बहुत ज़्यादा। और इसके लिए रिम काफ़ी हैवी दिए गए हैं। और इसके जो टायर हैं वो 14.5 के टायर मिल जाते हैं आपके लिए। और इसमें ऑप्शन में आप इसमें 16 टायर ले सकते हैं। और इसकी टिप्पणी गुड़िया कंपनी की 40 गुड़िया कंपनी है इसमें अभी फिलहाल। और फार्म ट्रैक 5,000 घंटे की वारंटी दी जाती है ट्रैक्टर में। और 5 साल की वारंटी दी जाती है ट्रैक्टर में। इंडिकेटर वो भी बहुत ही बढ़िया दिए गए हैं। इसमें फार्म ट्रैक में लोहे का टूल आता है, इसकी लाइट बहुत ज़्यादा होती है, ये कभी ख़राब नहीं होती है बिल्कुल। और आप पीछे बैकर देख रहे हैं इसका, इसका ईपी इंडक्शन आता है जो इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा मजबूत होता है। एक सबसे ये गेमस आता है, सिंगल इंडक्शन होता है, एक डबल इंडक्शन होता है और एक हम इंडक्शन होता है। और सबसे ज़्यादा मजबूत होता है ईपी इंडक्शन फार्म ट्रैक में। इसमें दो बेड आता है, एक सिंगल इंडक्शन और एक ईपी इंडक्शन। तो ये रहता है ईपी इंडक्शन में रखता है। इसके पिछला हड्डी देख सकते हैं कितनी मोटी है, इसकी सपोर्टें हैं काफ़ी ज़्यादा मोटी दी गई हैं। आप इसको भारी से भारी लोड डाल सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली बिल्कुल भी। इसमें भारी से भारी लोड झेलने की इसकी क्षमता है सब्जी में। इससे पहले फार्म ट्रक को इसमें EPI से बुलाते हैं। इसका मॉडल बहुत ही ज़्यादा हैवी मॉडल आया है, कंपनी इसमें हैवी काफ़ी अच्छा गेरस होता है ट्रैक्टर का। और इसकी लिफ्ट कैपेसिटी है वो 1800 kg की लिफ्ट कैपेसिटी इस ट्रक्टर मिल जाती है। और उसमें 2500 kg की लिफ्ट आती है। इसमें ऑप्शन है इसमें ट्रक के सेक्टर में। इसकी टॉपलिंग है वो इसमें 3 होल दिए गए हैं टॉपलिंग के लिए। और इसमें डबल डिस्ट्रीब्यूटर भी आते हैं, इसकी लिफ्ट पट्टी देख रहे हैं आप लोग, बिल्कुल 2 इंच मोटी इसकी लिफ्ट पट्टी आप लोग देख सकते हैं, 2 इंच की है, बहुत ही ज़्यादा मोटी है ये। इसकी स्टेरा भी काफ़ी मोटी दी गई है, काफ़ी बढ़िया है आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा ट्रैक्टर है ये इसमें। और यहाँ पर लाइट भी आती है, और यहाँ पर नमक लगाने के यहाँ पर कंट्री होल दिए गए हैं यहाँ पे। और इस साइड से देख सकते हैं आप लोग, और यहाँ पे पैरेंट हो जाती है हम लोग, मैंने आपको बताया था ट्रैक्टर 55 HP की ट्रैक्टर है ये। और यहाँ पे देख सकते हैं इसमें डिस्ट्रीब्यूटर को ऑपरेट करने के लिए यहाँ पर कर दिया गया है। हम इसको करते हैं इसको जिससे हाइड्रोलिक कटर गोली कर दिए गए हैं। और इस सिस्टम में डिफ्रेंशियल ब्लॉक भी मिलता है इसमें, कंपनी इसमें आप सिस्टम देती है। यहाँ पर आप यहाँ पर अपने अनुसार आप इसमें डिफ्रेंशियल ब्लॉक लगा सकते हैं। कंपनी ने इसमें इसमें होल दिया गया है, अगर आपकी इच्छा हो तो आप डिफरेंस लॉक लगा सकते हैं, मैंने लगा सकते हैं। और ट्रैक्टर के सबसे ट्रैक्टर के साइड गियर आते हैं, फार्म ट्रक के साइड गियर है ये नीचे से दिए गए हैं। और अन्य कंपनी में क्या होता है, जो साइड गियर होते हैं वो मतलब ऊपर से दे दिए हैं टेढ़े मेढ़े करके, वो बिल्कुल लोकल होते हैं, बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। पर फार्म ट्रक के जो गियर है, गियर सिस्टम बहुत ही बढ़िया होती है। इस ट्रैक्टर में सिंक्रोमेस इसमें गियर बॉक्स दिया गया है, कॉन्स्टेबल सेक्टर गेयरबॉक्स है। और इस सेक्टर में बहुत ज़्यादा ट्रस्ट मिल जाता है आप लोग देख सकते हैं। और इसमें साइड में मिल जाता है आपको। और फार्म ट्रक का जो बैटरी बॉक्स है वो बहुत ज़्यादा उन्हीं बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में, और बहुत ज़्यादा बढ़िया होता है ये, बहुत ज़्यादा अच्छा बैटरी साइड से दी गई है। पहले बैटरी फार्म ट्रक के अंदर आती थी, उससे क्या होता था बैटरी से उसका कलर खराब हो जाता है, इंजन का कलर खराब होता था। तो कंपनी ने इसकी बैटरी बाहर कर दी है। और फार्म ट्रक के ब्रेक हैं वो ओल इमेज ब्रेक आते हैं फार्म ट्रक में, जो कभी ख़राब नहीं होते बिल्कुल भी, लेकिन लाइफ बहुत ज़्यादा होती है। इससे कहते हैं फार्म ट्रक ने इसमें आपने देखा होगा फार्म ट्रक के ब्रेक बहुत ही कम ख़राब होते हैं, क्योंकि फार्म ट्रक के ब्रेक बिल्कुल तेल में डूबे होते हैं बिल्कुल अंदर से, बिल्कुल उसमें गियर बॉक्स ओल जाता है। इस प्रकार से फार्म ट्रक के ब्रेक कभी ख़राब नहीं होते हैं। और उसमें पार्ट अवेलेबल
जाता है, छोटा सेल्फ है ये, बहुत ही बढ़िया सेल्फ होता है ये। और इसमें 5 घंटे ट्रैक्टर सर्विस मिल जाती है, 500 ट्रैक्टर 30 घंटे का इंजन आता है, 710 cc का ट्रैक्टर इंजन आता है, 240 Nm टॉर्क का ट्रैक्टर का, बहुत ही हाई टॉर्क इंजन है ट्रैक्टर का। और ट्रैक्टर यहाँ पर इसमें सिंगल पिन घोड़ा मिलता है, ऑयल वाला ये चीज मिलता है, इसमें आप ट्राई एक नहीं ले सकते हैं ऑप्शन है सेक्टर में। और सब वो कंपनी में भी केयर बटन ला के दिया गया है, आप लोग सकते हैं केयर 24/7 इसका यूज़ आप कर सकते हैं। जैसे आपको ट्रैक्टर की सर्विस बुक करानी हो या फिर ट्रैक्टर की प्रॉब्लम आ जाए तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। कंपनी ने यहाँ पर एक बटन दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर अंदर दिया गया है इसके बोर्ड के अंदर ही आप लोग जैसे आपको दिखाई दे रहा है, ये इसमें डिवाइस लगी हुई है, इसका यूज़ कर सकते हैं आप लोग। अगर वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।